हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये कहावत शायद अभी आउटडेटेड होती जा रही है। कुछ लोग तो बच्चों का बचपन उन्हें खुलकर जीने भी नहीं देते और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार से साबित होते जा रहा है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल 10 तक के इस भाग में। 10 महीने पहले मेरी पोस्टिंग दहिसर पुलिस स्टेशन में थी। उस वक्त अचानक से उस एरिया से छोटी लड़कियां गायब होने लगी। वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस वजह से पूरे दहिसर एरिया में दहशत का माहौल था और हम पर भी प्रेशर था उस गुनहगार को पकड़ने का। खाली है रे, लौकर अबे। ए, उठ, ये गोरी। ए, कहाँ भाग रही है तू? हाँ, चुपचाप खड़े हो जा। या भाई, देख लड़की तेरे को कैसे लगी। देख क्या पूजा नहीं आई? पूजा पूजा कहाँ है? पूजा हुआ क्या? नहीं था, इतनी टेंशन में क्यों? पूजा आज सुधी घर नहीं आई। क्या अभी तक घर नहीं आई? तुमने क्रैच में पता किया? हो सकता है आसपास हो। अरे वो स्कूल से सीधा क्रैच गई थी मीना के साथ। मैं कब से मीना को फोन लगा रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। नरेश मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अनीता हम चलकर क्रैच में देखते हैं, फिर गार्डन के आसपास भी देखते हैं, मिल जाएगी। चलो आ जाओ। सुरेश, सुरेश, मीना कहाँ है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर, उसका फोन नहीं लग रहा है। पूजा अभी तक घर नहीं पहुंची है। मुझे भी नहीं मालूम मैडम, आज इतना लेट हो गया घर पे आने के लिए, तो मैं उसे ढूंढने आपके घर गया था, लेकिन वहाँ आप नहीं थे तो मैं यहाँ चला आया। क्या मीना घर नहीं पहुंची अभी तक? नहीं मैडम। खाऊंगे दोनों। आइए सर। सर लड़की की बॉडी है, 10 से 11 साल की लगती है। ये देखिए सर, गले पे तो कट के निशान है, लेकिन बॉडी पर या आसपास कहीं भी खून नहीं दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि खून को साफ कर दिया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे नहला धुला कर यहाँ फेंका गया हो। पाटिल जरा चेक कर बॉडी और अर्जुन का हिसाब पढ़ देगा। सिरके बॉडी को फेंका नहीं गया है, बॉडी को यहाँ आराम से लिटाया गया है। अगर फेंकना होता तो अंदर की तरफ फेंकता, और मर्डर करने वाले ने मर्डर करने के बाद इंसानियत भी दिखाई है। और ये देखो ये निशान, किसी धारदार चीज से गला काटा गया है इसका सिरके। ये देखो पहले छोटा कट, उससे नहीं मरी तो ये बड़ा कट मार दिया। सर पूरे एरिया अच्छे से सर्च किया है, कोई मर्डर वेपन या आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मिला। पाटिल नहीं सर, ये दो कट के अलावा स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं बॉडी पे। सर अगर आईडी नहीं मिली है तो हो सकता है कि कातिल ये नहीं चाहता था कि बॉडी की पहचान हो। नहीं शीर, अगर कातिल चाहता बॉडी की पहचान ना हो तो चेहरा बिगाड़ देता। इस छोटी बच्ची को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? शीर एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, 11-12 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई है क्या? ठीक है सर। ये देखो शिरके, ये जो पहला कट है ना, वो ज्यादा गहरा भी नहीं और सीधा भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब जिस किसी ने गला काटने की कोशिश की, उसने पहली बार काटने की कोशिश की है।
इसलिए पूरी तरह काट नहीं पाया। और ये जो दूसरा घाव देख रहे हो, ये बहुत गहरा भी है और शार्प भी। सर, हमने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में बच्ची की फोटो भेजी थी, लेकिन कहीं पर भी 10 से 12 साल तक की कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। शिर्के, काम करो, ये फोटो लो और जहां इसकी बॉडी मिली वहां आसपास 3-4 किलोमीटर में ये फोटो दिखा। हो सकता है ये लड़की उसी एरिया की रहने वाली और इसे कोई जानता। ठीक है सर। आजा बेटा, आजा, बैठो यहाँ पे अच्छे से, ऐसे ऊपर जाओ, वो साइड जा। हाँ, ठीक से बैठ। हाँ। ए लड़के, चुपचाप बैठ। ठीक है, थम्बा थम्बा, ठीक से बैठ। हाँ, आराम से बैठ। हाँ, धर्म। 4 चम्मच चक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जला। सर, जिस बच्ची की डेड बॉडी हमें मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 10 से 11 साल की थी। और सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली है। सर, वो सेक्सुअली एक्टिव थी। क्या? हाँ सर। 10-11 साल की लड़की? शिरके, 10-11 साल की लड़की खुद होकर सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकती। जरूर उसको कोई सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, इसीलिए उसका मर्डर हो गया। हमें जल्द से जल्द उस लड़की की पहचान करनी चाहिए और उस कल्प्रिट को भी पकड़ना होगा, ताकि वो जानवर किसी और बच्ची को अपना शिकार न बनाए। ये लड़की को देखा? हाँ, नहीं देखा। अरे, ये तो स्वाति की बेटी नेहा है। लेकिन आप ऐसे क्यों फोटो दिखा रहे हैं? क्या हुआ उसे? कैसे दिख रही है, बाप रे? दरअसल मैडम, इसका मर्डर हो चुका है। हाँ? और हमारे पास ये फोटो के अलावा और कोई फोटो नहीं है। अच्छा, आप जानती हैं इसे? साहब, स्वाति तो मेरे पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन और वो प्ले स्कूल में आया का काम भी करती थी। स्वाति की फैमिली में उसके अलावा और कौन कौन है? नेहा का बाप तो कुछ 4-5 साल पहले ही गुजर गया। स्वाति, नेहा, उसका भाई धीरज, बस इतना ही है। धीरज भी बहुत छोटा है साहब, करीब 14-15 साल का ही होगा। अच्छा, आपके पास स्वाति का फोन नंबर है? सर, सर, नेहा की माँ स्वाति का जो नंबर मिला था वो पिछले 2 महीने से बंद है सर। लेकिन 2 महीने पहले उससे अपने भाई प्रशांत दलवी के टच में थी, और आजकल पता चल रहा है कि वो प्रशांत दलवी के साथ ही रह रही है। अच्छा, उसका एड्रेस मिला? कहाँ रहती हो? सर, मलाड ईस्ट में। स्वाति शिंदे है क्या? भाई हूँ मैं उसका। बुला उसको। क्या हुआ साहब? बुला उसको। स्वाति, स्वाति बाहर आओ। क्या हुआ बाप? स्वाति शिंदे। जी साहब, मैं ही हूँ। क्या हुआ? नेहा शिंदे कौन है? साहब, मैं बोली तो मेरे को नहीं मालूम नेहा किधर गई, और वो अभी से नहीं पिछले 1 हफ्ते से गायब है। तो आपने मिसिंग कंप्लेंट की? नहीं साहब, क्या बोलूं साहब, 11 साल की लड़की का चक्कर चल रहा था और गायब हुई तो मेरे को लगा कि भाग गई होगी किसी के साथ, और पुलिस में जाकर अपनी बदनामी क्यों करवाने का, और उसी के वजह से मैं दहीसर छोड़कर यहाँ मलाड में भाव के पास आके रह रही है। नेहा आपकी बच्ची थी ना? मुझे ऐसा लग नहीं रहा। 11 साल की छोटी लड़की के ऊपर तुम ब्लेम लगा रही हो, कभी उसको पूछा हो उसको कोई परेशान कर रहा है क्या? क्यों पूछती साहब, मुझे सब मालूम था, मैं ही उसका बच्चा गिरवाई थी, और फिर भी वो सुधरी नहीं, और फिर जब गायब हुई तो मेरे को लगा कि किसी के साथ भाग गई होगी। किसी के साथ? किसके साथ? नाम क्या है? सुशील घाटके, उससे 4 क्लास आगे था, उसी के स्कूल में था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसके गायब होने के 1 हफ्ते बाद आकर आप लोग इतना सवाल जवाब काई को कर रहे हो? नेहा किधर मिली क्या आपको? मिली है, लेकिन जिंदा नहीं, मरी हुई। उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? हेलो,
क्या? खुशी के नेहा को जिस तरह से मारा गया था ना, उसी तरह से मारा इसको। ये कट देख रहे हो? मतलब सर दोनों केस कनेक्टेड है? शायद हो सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। सर पूरा एरिया चेक किए, यहाँ पे भी ना तो कोई मर्डर वेपन मिला है और ना ही कोई आइडेंटिटी। शिरके बॉडी को पीएम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है क्या। सर बोला गया तुंडे बिठा के रखो उनको। सर सुशील और उसकी फैमिली आई। क्या? I am unique, just like everyone else. तू यूनिक ही है, हाँ? नाम सुशील, काम करता है अश्लील, नाव मोटे लक्षण खोट। साहब झालं का साहब, क्या किया मेरे लड़के ने? अंदर आओ। क्या रे, तूने बताया नहीं माँ बाप को तूने क्या गुल खिलाया? हाँ 14 साल का है, 11 साल के नेहा शिंदे को सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था ये, बाद में मार दिया उसको। क्यों मर्डर किया उसका? सर मैंने कुछ नहीं किया नेहा को, सर मैंने तो उससे आज तक बात तक नहीं की सर। बिना बात किए सब कुछ कर दिया है ना? सर वो सच बोल रहा है सर, स्वाति के बच्चे नेहा और धीरज साथ में ही पढ़ते थे सर, मैंने ही उनका गरीब कोटा में एडमिशन करवाया था सर। वो ड्रग लेते पकड़ा गया धीरज तो उसे स्कूल से निकाल दिया था। आप सोशल वर्क करें ना, तो स्वाति आपके बेटे को क्यों ब्लेम करेगी? पता नहीं सर, वो मेरे प्ले स्कूल में हेल्पर का काम करती थी, धीरज हर दूसरे दिन आके उसे पैसों के लिए मारपीट करता था। मैंने कई बार उसे वार्निंग भी दी सर, पर वो हमेशा उसी का बचाव करती थी। फिर मैंने उसे काम से निकाल दिया सर। मुझे तो लगता है उसी बात का बदला लेने के लिए हमें फंसा रही है सर। मुझे तो लगता है उसके चरसे बेटे ने ही नेहा का मर्डर किया है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और वो लोग बड़े लोग हैं इसलिए आपने उनकी बात मानी और मेरी नहीं। अभी नेहा जिंदा होती तो आपको सब सच बताती, वो लोग नेहा के मरने का गलत फायदा उठा रहे हैं। देखो ना तो हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी है ना तो उन लोगों के साथ, हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर धीरज तुम्हारा इतना ही अच्छा बेटा है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? साहब वो धीरज को नशे की लत थी, गलत लोगों में उठना बैठना था, इसके लिए मैं उसको घर से बाहर निकाली। नेहा का भी नाटक शुरू हो गया था और इसके लिए मैं दहीसर छोड़ी, अपनी नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि फ़ोन भी बेचना पड़ा, और इसीलिए मदद लेने के लिए मैं यहाँ भाव के पास आकर रहने लगी। देखो ना साहब मर्द ऑफ हो गया, दोनों बच्चे नालायक निकले, मेरी तो किस्मत ही ऐसे निकली। नाटक नहीं, धीरज से बात होती होगी ना, क्या नंबर, क्या उसका फ़ोन नंबर? मेरे को क्या मालूम साहब, कहीं नशा करके पड़ा होगा, और वैसे भी वो सारा पैसा तो नशे में डालता है, फोन संभालेगा क्या? वो कांटेक्ट करेगा तो हमें बताना। इसका मतलब सुशील के पेरेंट्स हमसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि स्वाति को नौकरी से निकाला गया था, उसका बदला लेने के लिए वो नेहा के मर्डर का फायदा ले रही हो। सर स्वाति के कॉल रिकॉर्ड से धीरज का नंबर मिल गया है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक धीरज स्वाति के मोबाइल के बजाय प्रशांत के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करता है, और सर ऐसे में उसकी कॉल आना भी कम हो गई। मतलब स्वाति हमसे झूठ बोल रही थी। वो सारा पैसा तो नशे में डालता है, फोन संभालेगा क्या? ऐसा भी हो सकता है कि धीरज ने नेहा को मार दिया बदनामी की वजह से, और 11 साल की उम्र में ही वो सेक्सुअल एक्टिव थी, यही वजह से स्वाति धीरज को बचाना चाहती। एक काम करो, ये प्रशांत दलवी का लैंडलाइन है ना वो टैप करो, और जैसे धीरज का कॉल है हमें इन्फॉर्म करो। सर बोरीवली पुलिस स्टेशन में 11 साल की बच्ची और उसकी मेड की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। सर उस मेड की डिटेल उस बॉडी से काफ़ी मिलती है जो हमें मिली थी। एक काम करो, जिन्होंने कंप्लेंट की उनको बुला बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर मीना, मीना, समीर बीबी है मीना साहब, समीर मीना, संभालो, समीर बीबी साहब, संभालो, समीर बीबी को क्या हुआ था? अच्छा मीना आपके बच्चे की आया थी? हाँ सर, कितनी बुरी मौत मारा है मीना को, पता नहीं मेरी बच्ची मेरी पूजा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे, कहीं वो उसे भी। नहीं नहीं आप डरिए मत,
बिल्कुल डरिए मत, आपकी पूजा को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और मीना के भी मर्डर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अभी ये केस हमारे पास ट्रांसफर हुआ है बोरीवली से। अगर आपको भी आपके बच्चे के बारे में कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करें। शिरके सर, मीना और पूजा जिस क्रेश के बाहर आखिरी बार देखे गए थे वहां का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। शिरके, ये दोनों मर्डर केसेस में कॉमन चीज दिखती है, उनका गला काटना। कोइंसिडेंस है? ये दोनों केसेस के साथ साथ हमें पूजा को भी ढूंढना होगा, इसके पहले कि किडनैपर उसे हार्म करे। सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। शिरके, ये आखिरी बार मीना और पूजा को देखा गया 14 तारीख को शाम 4 बजे, इनको किडनैप किया गया। और जिस तरह से मीना गाड़ी में बैठे हुए आदमी से बात कर रही है और बिना जबरदस्ती गाड़ी में बैठ रही है, लगता है मीना और पूजा के पहचान वाले। एक काम करो शिरके, एक गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, ये नंबर आरटीओ में भेजो, डिटेल्स निकालो। ये गाड़ी हमें पूजा तक पहुंचा सकती है। सर, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी इसलिए बेहोशी की दवा दी है। कुछ नहीं हुआ इसे, ठीक है बिल्कुल। दादा, ये लड़की कैसे लगी आपको? मेरा क्या है, अभय को ठीक लगनी चाहिए। क्यों बेटा अभय, ठीक है? ठीक है, अच्छी है। चलो मैं फोटो काटूं। देखा शिरके, मीना की बॉडी हमें इस जगह के आसपास से मिली, मतलब ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने उसको मारा और रास्ते में ठिकाने लगा दिया। अगर वो इस जगह पे है तो जरूर उनको किसी ने देखा होगा। एक काम करो, पूजा का फोटो लो और आसपास दिखाओ। ठीक है सर। कुछ मिला क्या? सर, ये गाड़ी के पेपर्स गाड़ी में ही थे, गाड़ी किसी ट्रैवल एजेंसी के नाम पे बुक है। मतलब कार रेंटल हो सकती है। एजेंसी का नाम क्या? सर, वो गाड़ी विशाल पाटिल नाम का बंदा 14 तारीख को रेंट पर लेकर गया था। अच्छा, आईडी लाइसेंस कुछ दिया है? यस सर। ये उसका राशन कार्ड, ये लाइसेंस की कॉपी और फर्जी है। ये लाइसेंस है, इसके ऊपर फोटो भी नहीं है, पुराना है ये। सर, मैंने उसको बोला था लेकिन वो बोला पुराना होने की वजह से निकल गया है फोटो। हुलिया बता सकते हो उसका? सर, याद नहीं है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर। ये तो ठीक हुआ, लेकिन बाकी भी जल्दी करना पड़ेगा। अगले 2 घंटे का मुहूर्त अच्छा है, बाद में शायद रुकना पड़ सकता है। सर, हमने पूरा उत्तम नगर छान मारा लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली सर। और सर, उत्तम ट्रेवल पे जो गाड़ी रेंट पे ली गई थी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे पूरी तरह से फेक है। लेकिन सर, जो नंबर दिया था वो नंबर आधे घंटे पहले ओडी पाड़ा में एक्टिव है। मतलब वो वही है। चलो जल्दी चल के। प्रदीप, ओम शनो देवी अविष्ट ओम सर्व धर्म धर्म देव देव ओम ओम देव प्रचोदयात ओम अधर्म सुतो विद्या देवी ओम अधर्म ओम प्रचोदयात। इस गाड़ी को देखा है कहीं? प्रवेश तवंतु ना, चलो खड़े हो जाओ, फेरे के लिए खड़े हो जाओ। ये खून कैसा है? लड़की ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, पता करो खून कैसा है। ये लड़की बीमार है क्या? ये गाड़ी को देखा है क्या इस एरिया में? हाँ सर, इस गाड़ी को देखा है मैंने। कहाँ पे? इस घर के सामने। ये वाला घर? हाँ सर। शिरके, अंदर देखो, ऊपर देखो। सर,
छिड़के सर ब्लड फॉरेंसिक को बुला। कुछ मिला क्या? नहीं सर, पूरा घर छान लिया पर कुछ नहीं। छिड़के देर हो गई, अगर वक्त पे आते तो पूजा हमें मिलती। सर इन्होंने पुलिस को फोन किया था, ये बाइक से जा रहे थे, इनका मोबाइल गिरा या नीचे उतरे तो देखा बच्चे के पैर दिख रहे हैं, उसके बाद इनको बच्चे की लाश दिख गई। सर इसे भी उन दो लड़कियों की तरह गला काट के मारा गया है, उसकी बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके मुंह से खून निकल रहा है और ऐसा लगता है कि अभी दो चार घंटे पहले ही हुआ है सब। शेर के मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसके दोनों हाथों में खून नहीं है, अगर इसको गला काट के मारा होता तो उसने कोशिश तो की होती खुद को बचाने की, हाथ को खून लगता और ये मुंह से खून आ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले मर गई थी और उसके बाद में इसका गला काटा गया हो। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा को नहीं बचा सके, उन लोगों ने सिर्फ कार ही नहीं लेकिन घर भी फेक आइडेंटिटी से रेंट पे लिया था, जिस नंबर को ट्रेस करते हुए हम पूजा तक पहुंचे थे वो नंबर भी अभी इनएक्टिव हो चुका था। पूजा को भी उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से नेहा और मीना को गला रेत कर मारा गया था, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि नेहा के गले पे जो बारीक निशान था वो पूजा और मीना के गले पे नहीं था, इसका मतलब मारने वाला अभी परफेक्ट हो चुका था। दूसरा डिफरेंस, मीना और नेहा दोनों सेक्सुअली एक्टिव थे लेकिन पूजा वर्जिन थी, नेहा को मारकर नहला धुलाकर फेंका गया जबकि पूजा के हाथों और ओठों पर खून के निशान थे। ये सारा डिफरेंस हमें कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन अगर 11 साल की बच्ची होना कनेक्शन है तो हमें डर था कि किसी तीसरी लड़की की जान खतरे में है जिसे हमें बचाना था। बारा ना बोल रहा हूँ, देख सिर। कहाँ खाना खा लिया? कहीं की सब्जी थी वो? आलू टमाटर? फिर वो भी डाला करना उसमें। हेलो, बोलो सर। सर ये सर रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को एडवांस स्टेज का टीबी था सर। हो सकता है कि खांसने की वजह से कप के साथ ब्लड भी आ गया। सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसकी मौत 14 तारीख को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है और मौत गला काटने की वजह से हुई है। ये पूजा को मारा क्यों? उनका रिचुअल खत्म हो गया था इसलिए? ये पूजा को टीबी था इसलिए? हेलो, हाय, धीरज बोलते है। मेलिया, तू काय को फोन कर रही इधर? पैसा, पैसा चाहिए मेरे को। पैसा चाहिए ना तेरे को? तो तेरे मवाली दोस्त से मांग ना, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं दूंगी तेरे को पैसा, समझा? तेरी बहन मर गई है, कोई मर्डर किया है उसका। ये तो रो काहे को रही है? अच्छा हुआ ना मर गई, बोझ कम हो गया तेरा। मेरे को पैसा चाहिए, मैं शाम को आ रहा है तेरे घर पे। सुन, मेरे पास पैसे नहीं है और अगर होते भी ना तो भी मैं देती, समझा? चल फोन रख। फिर पैसा मांगा हो? देख, या तू पुलिस को सच बोल दे तो मैं ही बोलता हूँ। भाव ऐसा मत करो भाव, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी। मरण छोड़कर चला गया, नेहा छोड़कर चली गई, सिर्फ मेरे पास धीरज है, उसको मत छीनो मुझसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर इससे पहले बहुत देर हो जाए, समझाओ उसको कि सुधर जाए। सब साधना मेरी भांजी है, उसकी माँ बाप की डेथ के बाद मैं ही उसको पाल पोस रही हूँ। सब आज वो ट्यूशन के लिए 2 घर छोड़ के ही गई थी लेकिन वापस लौटे ही नहीं। मैंने उसकी ट्यूशन टीचर को भी पूछा लेकिन उसने कहा कि वो ट्यूशन के लिए पहुंचे ही नहीं। क्या उम्र है इसकी? सिर्फ 11 साल के हिसाब, बहुत छोटी है साहब। प्लीज प्लीज साहब, उसे ढूंढ दीजिए साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी शिरके सर,
एक काम करो, ये रावलपाड़ा एरिया में सीसीटीवी है के देखो, अगर रहेगा ना तो पूरा फुटेज कलेक्ट करो। और एक काम करो, उस एरिया में यानी दहीसर से लेके बोरीवली तक एरिया में जितने भी एजेंसीज है जो कार रेंट से देते हैं उनसे पूछताछ करो, आज किसी ने कार रेंट से ली क्या? अगर ये काम उन्हीं लोगों का है तो आज जरूर उन्होंने कार रेंट से ली होगी। ठीक है सर। और एक काम करो, जिस जगह पूजा को रखा गया था वो जगह, नेहा पूजा और साधना जिस जगह से गायब हो गए वो जगह, और नेहा पूजा और मीना की बॉडी जिस जगह पे मिली वो जगह, इन सारे जगहों पे कितने मोबाइल एक्टिव थे वो देखो, और उनमें से जो कॉमन नंबर था उसके डिटेल्स निकालो। लेकिन सर उस एरिया में तो लाखों नंबर एक्टिव होंगे, सबको कैसे चेक कर सकते हैं? शिरके, दो लड़कियां और एक औरत का मर्डर हो चुका है, हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं लगा, एक टीम को इस काम पे लगा दो। सर सर, धीरज ने प्रशांत के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया है, आज शाम वो स्वाति से मिलने प्रशांत के घर आ रहा है। गुड, अब आएगा अकेला और जाएगा हमारे साथ। ए, लड़की अगर चिल्लाएगी तो जान से मार दूंगा, देख चुप, खड़ी हो जा, चुप। देखते थे ये लड़की अच्छी लगी ना? वो काय करता है, सिर्फ 3 दिन बचे, ये पसंद है नहीं पसंद है इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है अभी, देखो जल्द से जल्द हम लोग सब कुछ पूरा कर। देखते तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरे को बाबा मारा नहीं बेटा, तेरा खून निकल रहा है बाबा, प्लीज छोड़ दो उसे। अब जब उसने बोल दिया है कि उसको पसंद है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? देखो जल्द से जल्द ये प्रथा पूरी कर लेनी चाहिए। देखो शिरके, गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये गाड़ी भी रेंटेड हो सकती है, फौरन लुकआउट इशू कर दो, इस बार ये हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए, इससे पहले कि साधना को हार्म करे इन्हें हमें पकड़ना होगा। धीरज, क्या है बे, कौन है? धीरज भाग, पुलिस भाग। नेहा तेरी बहन थी ना, तो भी उसको मार दिया तूने? मैंने नहीं मारा साहब, सच ही बोलता हूँ, 11 साल की उम्र में इधर उधर मुंह मारती थी, हुआ रहेगा किसी का साथ लफड़ा, मार दिया होगा कोई। ये ड्रग्स देने के बाद ऐसा बड़बड़ करता है या पहले से ऐसी कहानी सुनाता है? साहब सच ही बोल रहा हूँ, बहुत गर्मी थी उसको, एक के साथ तो चलता नहीं था, बोल के मार पीट के भी समझाया नहीं मान। चल बोला, सच बोल, झूठ बोलेगा ना जितना माल अंदर डाला उतना बाहर निकालूंगा दूसरी जगह से, चल बोल। साहब मैंने नेहा के साथ गलत काम किया, मैंने उसको डरा कर ये बोला कि किसी को बोले तो हाईकोर्ट उसको दोनों को मार दूंगा, वो किसी को नहीं बोली साहब, लेकिन जब वो पेट से हुई ना तो हाई को पता चल गया, उसने मेरे को घर से निकाल दी और खुद प्रशांत मामा के घर चली गई। अब ये बता नेहा को तूने कब और कहां से उठाया और मारा क्यों? साहब आई शपथ, मैंने उसको नहीं मारा। इसके ऊपर रेप का चार्ज लगा, रिमांड रूम भेज दो इसको, चलो और इनको भी अरेस्ट करो पुलिस को मिसगाइड करने के इल्जाम में, चल लेके जाओ इनको। शिरके सर, जिस दिन नेहा स्कूल से गायब हो गए और उसकी बॉडी मिली उस दिन इसका मोबाइल लोकेशन क्या था देखो जरा। नहीं मैं ये नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना ये। लगा लो बेटा लगा लो, अंकल का गुस्सा देखा है ना तुमने? नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगी तो भी नहीं लगाओगी? हाँ ये चॉकलेट लो। क्या सोच रही हो, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? देखो एक दो दिन में तुम्हें यहां से निकाल के ले जाऊंगी। मुझे प्यास लगी, पानी चाहिए, मैं लेके आती हूँ। हाँ
बहुत हाथ पैर चलते तेरे। हाँ? तेरे को तो बाद में देख लूंगा मैं, इसे तैयार करो, इसकी शादी अभी होगी। हाँ? ये चॉकलेट खिलाएगा नहीं इसे? तैयार करो इसे। उठ, उठ लोग। शिरके सर, किडनैपिंग और बॉडी जिस जगह पे मिली वहां कोई कॉमन नंबर मिला? नहीं सर, अभी तक हम चेक कर रहे हैं। साहब, साहब मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। अभी घर से मैं अपने काम के लिए निकला, तभी एक लड़की ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और वो अपने खिड़की से अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ ऐसे चिल्ला रही थी और फिर अचानक खिड़की से गायब हो गई। क्या उम्र थी बच्ची की? करीबन 10-12 साल की होगी। 10-12? ये है क्या? हाँ साहब, शायद यही थी। क्या है कि दूसरी बार भी मैं उसे कुछ सेकंड के लिए देख पाया, इसलिए कंफर्म नहीं बोल सकता। दूसरी बार मतलब? उसने मेरा शीशा तोड़ दिया था ना गाड़ी का, तो मैं उसकी कंप्लेंट करने उसके घर पे चला गया। अरे अजीब आदमी हो, मैं क्या झूठ बोलूंगा? गाड़ी का शीशा तोड़ दिया आपकी लड़की ने, देखो। अरे तू झूठी बोल रहे हो ना? हाँ, इस घर में कोई बच्चे बच्चे नहीं है, ये देखो ये मेरा बेटा है सिर्फ। अरे अभी अभी खिड़की पर देखा मैंने उसे, बुलाओ। तो देखा है ना, देखा है ना, हो गया ना, चल निकल अभी निकल। अरे भाई साहब चल भाई निकल, ए देखने के अंदर। मतलब सिर्फ पूरी फैमिली है, माँ बाप बेटा और ये बच्ची। ये कौन से एरिया में था? साहब गौतम नगर। सर, बच्चियों की किडनैपिंग और डेड बॉडी जहाँ पर मिली थी उन सभी लोकेशन पर ये दो नंबर एक्टिव थे, उसमें से एक नंबर अभी गौतम नगर में एक्टिव है। गौतम नगर? गौतम नगर? शिरके हमें जल्दी जाना होगा, इस बार देरी नहीं होनी चाहिए, चलो। अधर्म पश्चिम रहा वरिष्ठ ने ही स्वस्थ नो। चलो अभी फेरे लेने का वक्त हो गया, चलो खड़े हो जाओ। इसको भी खड़ा करो, पकड़ना इसको अच्छी तरह से। यही कर। दरवाजा खोलो, तोड़ दो। इस लड़की को संभालो, तुम्हारा पति और बेटा कहाँ है? यही थे ना वो? पता नहीं। शिरके ढूंढो अंदर, ढूंढो अंदर, हटो साइड में। सर, सर ये पीछे वाला दरवाजा है, खुला था। शिरके यहां से जा सकते, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ढूंढो ने। चलो लड़की को लेके जाओ। सर लगता है भाग गए। मेरी बच्ची। साधना ने हमें बताया उसके साथ क्या क्या हुआ। बहुत बहादुर है साधना, इसने अपनी जान नहीं बचाई बल्कि एक गैंग के कल्प्रिट को पकड़वाने में हमारी मदद की है। साधना, क्या तुम हमारी एक और मदद कर सकती हो? उस आदमी और उसके लड़के का हुलिया बता सकती हो? गुड। आए दोड़े सर, स्केच आर्टिस्ट को बुला। सर जब तक स्केच बनता है हम दीपा से पूछताछ करते हैं। क्राइम नहीं है, प्रथा है, श्रद्धा है हमारी। जिस भगवान को हम मानते हैं ना, उसके हिसाब से लड़के की शादी 12वें साल तक हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई ना साहब तो वो लड़का मर जाता है। अब भाई की शादी करानी पड़ेगी साहब, और अगर आप लोग अभी विघ्न नहीं डालते ना तो अब तक मेरे अभय की शादी वो साधना के साथ हो चुकी होती। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं ना हुआ हा? और इसी रिचुअल के लिए तुमने नेहा और पूजा को उठाया ना? नेहा, नेहा को नहलाया धुलाया और उसको ना दुल्हन की तरह सजाने से पहले हम लोग अभय को सिखा रहे थे कि शादी के बाद उसको नेहा के साथ क्या क्या करना है, मगर वो नेहा करमजली चिल्लाने लगी। धीरज बाब की तरह वैसा ऐसा कुछ भी गंदा काम मत करो, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पवित्र नहीं थी साहब वो, इसलिए हमारी प्रथा के हिसाब से हमारे कुछ काम की नहीं थी वो, और इसीलिए तुम लोगों ने उसको मार दिया।
लोगों ने नहीं साहब, मैंने मारा उसको। पूजा को भी मैंने ही मारा। वो फेरों के वक्त ना उसके मुंह से खून आ रहा था बाहर। बीमार थी साहब, हमारे कुछ काम की नहीं थी, इसीलिए उसको मार दिया और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। वो पूजा और ये नेहा, ये तो छोटी बच्ची थी, उनको तुम कंट्रोल में रख सकते थे, लेकिन ये मीना को इतने आसानी से कैसे मारा तुमने? बेहोशी की हालत में मारना बहुत आसान है साहब। मतलब? 7 दिनों से नजर रखी थी मैंने उस पे। मुझे पता था वो शाम को अपनी आया के साथ घर जाती है। उस दिन मैंने उसका पीछा किया और पता पूछने के बहाने उसको रुकाया, उसको गाड़ी में बिठा लिया मैंने। मैंने उससे कहा मैं उसी दिशा में जा रही हूँ तो दोनों को छोड़ दूंगी, और दोनों को मैंने चॉकलेट भी खिला दिया। और जब वो दोनों बेहोश हो गई ना, तो मैंने उसकी आया को गला काटा और तालाब के किनारे फेंक दिया। ये वर्दी है ना पुलिस की है, वॉचमैन की नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने किसी को नहीं मारा, तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं साहब, मैंने मारा निया को। चुप बकवास मत कर, झूठ मत बोल। तू झूठ बोल रही है, तू लेफ्टी है, और बॉडी के गर्दन पे जो कट था वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ का नहीं बल्कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ का था। और जो लेफ्टी होता है वो कभी भी लेफ्ट से राइट कट नहीं मार सकता। इसका मतलब जिसने मर्डर किया वो राइट ही था। अब बताओ तुम्हारा पति और बच्चा कहाँ है? बता। बहुत कोशिश करने के बाद भी दीपा हमें और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। 2 दिन के बाद अभय 12 साल का होने वाला था, मतलब उसकी शादी करनी होगी, तो उसके लिए अभिषेक किसी लड़की को किडनैप करके उसकी शादी करवा सकता था। साधना से अभय और अभिषेक का जो हमने स्केच बनवाया था वो हर तरफ सर्कुलेट कर दिया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। उसका मोबाइल भी हमने ट्रेस किया, लेकिन मोबाइल लगातार स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा था, इसलिए अभिषेक हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। ऐसे में हमें एक बात याद आई, दीपा ने बोला था कि ये उनकी प्रथा है। प्रथा है, श्रद्धा है हमारी। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अभिषेक की शादी भी 12 साल की उम्र में हो गई हो और उसने दीपा को किडनैप करके लाया हो, और दीपा हमें ये नहीं बता रही थी वो कहां से बिलोंग करती है। लेकिन उसके हाथ का टैटू देखकर हमारा कांस्टेबल बोला कि ऐसा टैटू या तो लातूर कर या तो नागपुर कर बनवाते हैं। तो हमने लातूर और नागपुर के पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करके पूछा कि 20 साल पहले तुम्हारे तरफ जितनी भी लड़कियां गायब हो गई हो 10 या 11 साल की, उनकी सब डिटेल्स हमें दो, और वो काम कर गया। जानते हो कौन है? तुम्हारी फोटो है, तुम जब 10 साल की थी ना उस वक्त की फोटो है। सुना है तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थी। माँ। तुम्हारे माँ बाप दीपा दामले के माँ बाप विलास और सुनंदा दामले, देखो कितने खुश नजर आ रहे। तुम पे गर्व था ना उन्हें। और ये उस रात की फोटो है जिस रात तुम गायब हो गई थी, और उस रात तुम्हारे माँ बाप का गला काट के उनको मार दिया गया था। तुम्हारे माँ का गला किसने काटा था? अभिषेक ने। उसी अभिषेक ने जिसके साथ तुमने शादी की। अभिषेक और उसके माँ बाप ने अंधविश्वास में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बलि चढ़ाई थी। चुप करो, कुछ मेरे चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा, जो है वो है। सच तो यह है कि प्रथा के लिए तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारी बलि चढ़ाई गई थी। अभिषेक के फैमिली ने चढ़ाई थी, उसके बाद में उसकी फैमिली शहर छोड़ के बाहर चली गई, पुलिस के हाथ नहीं लगी और फाइल बंद हो गई। देखो 2 दिन बचे, 2 दिन के बाद अभय 13 साल का होगा। अभिषेक किसी लड़की को अगवा करके लाएगा उससे शादी करने के लिए। अभी भी तुम एक परिवार को और मासूम बच्चे की जान बचा सकती हो। मुझे बताओ अभय और अभिषेक कहाँ है? मंदिर, वो सही का पुराना मंदिर। अगर उनको कोई लड़की मिल गई तो वही ले जाएंगे साहब। मत ले रे, इस बार सब ठीक होगा, देखा। इस बार इस लड़की के साथ तेरी शादी करवा के रहूंगा मैं। सर,
अभिषेक की लोकेशन मूव हो रही है। सर अभिषेक की लोकेशन वसई की तरफ मूव हो रही है। उसने भिवंडी से टर्न लिया है। इसका मतलब उसने किसी लड़की को किडनैप किया होगा और वसई के मंदिर की तरफ जा रहा होगा। उसको 15 मिनट लगेंगे वहां पहुंचते। चलो जल्दी। जल्दी जल्दी नथू दादा। रोकना मत। चल चल चल, ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। देख आज तेरी शादी होकर रही है, तू फेरे पूरा कर ले। तमाशा ने तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, ऐसे शादी में विघ्न मत डालो। रुक जाओ बेटा, उसको मत देख। शादी के पहले पूरा कर ले। सर मेरे बाबा ने दीपा को किडनैप किया था, उसके बाबा का गला काट दिया था और मुझे ये प्रथा सिखाने के लिए मेरे हाथ से दीपा की माँ का गला कटवा दिया था। और अभय को प्रथा सिखाने के लिए तूने नेहा का गला काट दिया। हाँ, लेकिन अभय ये सब नहीं कर पाया। फिर नेहा को ठिकाने लगा के एक नई लड़की ढूंढनी थी, इसलिए मैंने उसका गला काट दिया और उसे फेंक दिया। ये पूजा मीना ये दोनों का भी ऐसे ही मैंने गला काट दिया था। तीनों मर्डर इससे ही किए थे ना तुमने? अरे ये कोई साधारण चाकू नहीं है, ये तुकाराम दादा ने मंत्रोच्चार करने के बाद मुझे ये सौंप दिया था। चिकन फटा देने क्यों? नहीं पूरा सुनिए। पता है जब हम पूजा और अभय की शादी करने वाले थे ना, तब वो भी आए थे वहाँ आशीर्वाद देने के लिए। वो पूजा बीमार थी इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। सब सब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसको माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। ए दीपा, अरे हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये हमारी प्रथा है। आज मैं निभा रहा हूँ, कल ये प्रथा मेरा बेटा निभाएगा। प्रथा चार्जशीट दाखिल करो। अभिषेक ने गलती की ये मानने के लिए वो तैयार ही नहीं था। उसने अंधश्रद्धा और प्रथा के नाम पे जो अपराध किए उसके लिए उसके मन में बिल्कुल गिल्ट नहीं था, लेकिन उसके इस पागलपन की वजह से 3 मासूम लड़कियों की जान गई, मीना पूजा और नेहा। तुकाराम ने उसके इस पागलपन को बढ़ावा देकर उसका मर्डर वेपन चाकू पर अंधश्रद्धा को मानते हुए मंत्रोपचार किए थे, इसलिए तुकाराम को जेल हुए। अभय नाबालिग था, उसको रिमांड होम भेज दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हमें मदद की वो छोटी बहादुर लड़की साधना ने, उसने हमें इस फैमिली तक पहुंचाया। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।